चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में हमें चार इवेंट्स ए बी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है हम जानते हैं कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ऑफ ए यूनियन बी में क्या रिलेशन होता है तो इस क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट्स में हमें चार में से तीन की वैल्यूज गिवन है और हमें फोर्थ पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम जानते हैं कि फाइंड करने का यह फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन में दिए गए ब्लैंक स्पेसेज को हम फिल करेंगे फर्स्ट पार्ट में देखें तो इसमें हमें थ्री वैल्यूज गिवन है एंड फोर्थ वैल्यू ऑफ यूनियन फाइंड करनी है। सो इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें यह मिलेगा जिसे सॉल्व करने पर हमें पी ऑफ यूनियन बी की वैल्यू सेवन बाई फिफ्टीन के इक्वल मिलेगी सो so, हम यहां से कह सकते हैं कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी सेवन बाई फिफ्टीन के इक्वल होगी अब सेकेंड पार्ट में गिवन वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करने पर हमें यह मिलेगा जिसे सॉल्व करके हम पी ऑफ बी की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं सो so जब हम इसे सॉल्व करेंगे हम थर्ड में नॉन वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह मिलेगा जिसे सॉल्व करके पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड जब इसे हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन फाइव